इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये आरोपी अपनी बाइक पर सवार होकर राह चलती महिलाओं से पर्स व मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देते थे। आरोपियों से 29 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। फरियादी ममता शर्मा देर शाम मंदिर से सुपर कॉरिडोर होते हुए घर लौट रही थी, उसी दौरान आरोपियों ने बैग छीनकर उन्हें गिरा दिया। वह पर्स और मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। तभी से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर आज इन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें ये आरोपी अपना शौक पूरा करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पकड़े गए आरोपियों से 29 मोबाइल जिनकी बरामद की गए हैं। फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिनसे लूट के और भी मामले खुलासे होने की संभावना है। इसमें जो फरियादी ममता शर्मा थे, उनका बैग छीन के जो है आरोपी भाग गए थे और उसमें मोबाइल और उनका कुछ कीमती सामान था। इसी अपराध के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिलते हुए दो जो है अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम क्रमशः हर्ष नरवरिया उर्फ छोटू, पिता अखिलेश नरवरिया हैं, जो मूलतः ग्राम ननौरा जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाला है। दूसरा सोनू विश्वकर्मा उर्फ राज, पिता विनोद विश्वकर्मा है, जो ग्राम रहली जिला सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। तो इससे जो है न केवल ये मोबाइल जब्त हुए हैं, वरन इससे टोटल 28 मोबाइल जब्त हुए इनके निवास से, और ये बेचने की फिराक में थे। पुलिस को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ये इस प्रकार से दो लोग मोबाइल बेचने की फिराक में हैं। उस इंट को पुलिस ने डेवलप किया और इन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस ने लगभग 3 लाख रुपये कीमत के 28 मोबाइल इनसे जब्त किए हैं। ये मोबाइल को क्या करते थे, कौन किसको बेचते थे या इनके IMI नंबर को चेंज करते थे, इस संबंध में जो है और विवेचना इसमें की जा रही है।